अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू में स्थित अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं सीआरपीएफ के जवानों के साथ। आप देखिए कैसे बेस कैंप और उसके आसपास के इलाके की गहनता से जांच की जा रही है। ये आप देखिए, ये DSMD डिवाइस है। मकसद है कि अगर इस जगह पर आतंकियों द्वारा माइंस या आईडी लगाई गई हो उसे डिटेक्ट किया जा सके। या बाकी जवानों को देखिए, जवानों के साथ ऑफिसर भी मौजूद हैं और चप्पे चप्पे को बारीकी से खंगाल रहे हैं। ये वायर डिटेक्टर है। ये तमाम आप इक्विपमेंट को देखिए, इनका मकसद यही है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ जम्मू अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप और उसके आसपास के इलाके को सर्च किया जा सके। इन जवानों के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी है। आप देखिए लगातार जवान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इनका मकसद यही है कि जो श्रद्धालु देश विदेश से बाबा बर्फानी के दर्शनों को आएंगे वो बेखौफ होकर वो सुरक्षित माहौल में अमरनाथ यात्रा कर सकें। जवानों को देखिए, जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी लगातार इन आसपास के इलाकों में सर्च कर रही है। इनका यही मकसद है कि अगर आप पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों द्वारा इस इलाके में माइंस या आईडी बिछाई गई हो उसे डिटेक्ट किया जा सके। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं क्या ये कहना चाहते हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अनिल कुमार साहब, आपसे जानेंगे कि हम देख रहे हैं कि आप लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ पूरे इलाके को सर्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था अभी आपकी ओर से चाक चौबंद की गई है? जी, हमारे यहाँ से जो भी यात्रा के दौरान जो हमें आदेश मिले हुए हैं कि कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ अगर कहीं डिटेक्ट होती है तो हम पूरी रास्ते को जो है एक तरीके से अपने DSMD और जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके साथ में सर्च करना चाहते हैं और देखते हैं कि कहीं अगर कोई आईडी मिले तो हमें उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया कर सकें। दुश्मन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमरनाथ यात्रा में खलल डाली जा सके, तो ऐसे में दुश्मन को आपकी क्या चेतावनी रहेगी और श्रद्धालुओं से कहेंगे कि आप लोग आइए हम आपकी सुरक्षा में हैं? जी नहीं, मेरे उनके बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जी। जो उनका काम है वो अपना करें जी, हम अपना काम करेंगे जी। बस यही मेरा। और श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे कि आइए आप, हम आपकी सुरक्षा में हैं? जी हाँ, ऐसा कहीं से कह सकते हैं कि हाँ, श्रद्धालुओं के लिए हम पूरी तरह तत्परता से तैयार हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। जी जी, यही हमारा तो काम। हम देख रहे हैं कि आप बेस कैंप में भी सर्च कर रहे हैं, उसके आसपास के इलाके में भी सर्च, जंगल में भी सर्च कर रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद है हमें पूरी तरह से पूर्ण सुहैया जो है चारों तरफ से वो है सुरक्षा मुहैया करानी है, बस यही हमारा मकसद है। मैंने बिल्कुल श्रद्धालुओं को सुरक्षा मुहैया करवानी है, यही इनका मकसद। आप देखिए कैसे इस इलाके को सर्च किया जा रहा है, जवान लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जवान आगे बढ़ रहे हैं। या आप देखिए DSMD जो है उसकी मदद ली जा रही है, लेटेस्ट डिवाइस है ये। आप देखिए कि यहाँ को डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी लगी हुई है। सर, ये कितनी डीप तक जो है ये डिटेक्ट कर लेगा अगर दुश्मन द्वारा आईडी यहाँ पर फिट की गई हो? सर, 3 फीट तक डिटेक्ट कर सकता है जी। जी, और जो किसी भी प्रकार का मेटल या आईडी संबंधित कोई भी मटेरियल हो गया उसको डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर 3 फीट तक। तो लगातार सर्च कर रहे हैं आप? जी सर। ये देखिए 3 फीट तक ये सर्च कर सकता है, नीचे जमीन के नीचे पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, आसमान से भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से, तीसरी आंख से नज़र रखी जा रही है। आप देखिए कि जमीन पर जो है कैसे हमारे बहादुर जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। साहब, ये कौन सी डिवाइस है आपके पास? सर, व्हीकल सर्च मिरर। व्हीकल सर्च मिरर, हाँ सर। तो व्हीकल के नीचे से इसको खोल के, जी जी, ये देखिए ये व्हीकल सर्च डिवाइस है। ये देखिए मिरर लगा हुआ है क्योंकि स्टिकी बम का सबसे ज्यादा खतरा है। सर, स्टिकी बम को डिटेक्ट कर लेगा? डिटेक्ट नहीं करेगा सर, इससे पता चल जाएगा, दिखाई दे देगा। जी जी, व्हीकल के नीचे से इसको घुमाएंगे तो अगर दुश्मन द्वारा व्हीकल के नीचे किसी तरह का विस्फोटक लगाया गया हो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ सर। ये आप देखिए, ये डिवाइस है, ये व्हीकल के नीचे सर्च किया जाएगा। और आप देखिए तमाम जितने भी जवान है ये लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हैं। इनका मकसद यही है कि अमरनाथ यात्रा में देश विदेश से जो श्रद्धालु आएंगे वो बेखौफ होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।